नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN24 और मैं श्रुति। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से, जहां पटेरिया इटावा रिलायंस पेट्रोल पंप पर चल रही दीपावली लकी ड्रॉ स्कीम के तहत युवक ने जीता स्मार्टफोन। इटावा कोटा क्षेत्र 16 नवंबर को रिलायंस पेट्रोल पंप सुपरवाइजर सुरेंद्र बेरवा ने बताया कि रिलायंस पेट्रोल पंप इटावा में चल रहे दीपावली लकी ड्रॉ स्कीम के तहत बाइक की टंकी फुल करवाने पर रनौदिया निवासी मुकेश कुमार बैरवा एसओ नेमकी लाल ने जीता 15,000 का स्मार्टफोन। मैंने इटावा रिलायंस पेट्रोल पंप पे चल रही स्कीम के तहत मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाया था। स्टाफ के किसी भाई ने बताया मुझे कि यहाँ टंकी फुल करवाने पर आपके पास कार, मोटरसाइकिल और स्मार्टफोन जीतने का मौका है। तो मैंने टंकी फुल करवाई और आज मेरे लकी ड्रॉ के तहत 15,000 रुपये का फोन निकला है। मैं हमेशा रिलायंस पेट्रोल पंप पर तेल भरवाता हूँ। यहाँ का एवरेज बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं यहाँ का सभी स्टाफ वालों का धन्यवाद करता हूँ। व्यवहार ठीक है, धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां तृणमूल सांसद के गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई। सांसद अबू ताहिर खान अपने घर से अपनी कार से बहरमपुर आ रहे थे। उस समय नोएडा के पिपाड़े खली इलाके में एक बच्चा था, जिसकी उम्र लगभग 6 से 7 वर्ष थी। जब वो सड़क पार करने के लिए दौड़ा तो मुर्शिदाबाद के लोकसभा सांसद अबू ताहिर खान की कार की चपेट में आ गया। একদম ওইটুকুর মধ্যেই 10 হাতের মধ্যে ছুটে এসে ঢুকে গেল, এবং যখন আমি জিজ্ঞেস করলাম এর পরিবারের কেউ, অন্তত 50-100 লোক জড়া হয়ে গেছে ওখানে বাজার এলাকা ব্যাংকের পাশে, কেউ বললো না বাচ্চাটার কেউ আছে, তা কেউ বাচ্চাটার পরিচয় বলতে পারছে না। তখন আমরা কোলে করে যখন তুলছি, ওর একজন রিলেটিভ ব্যাংকের উপর থেকে ছুটে এসে সে সঙ্গে আসলো আমাদের সঙ্গে, তাকে তুলে নিয়ে আমরা সঙ্গে সঙ্গে মেডিকেল কলেজে আমি কোলে করে তুলে নিয়ে চলে আসি এবং এখানেই তাকে চিকিৎসা করি। এবং এখন পর্যন্ত তো খুবই খারাপ অবস্থা। আপনি বলছেন ডাক্তাররা কি বলছেন? ডাক্তাররা খুব ক্রিটিক্যাল অবস্থায় আছে, ভীষণ ক্রিটিক্যাল অবস্থায় আছে, এইটুকু আর কি। তার সিটি স্ক্যান থেকে আরম্ভ করে রিপোর্ট খুব খারাপ, ক্রিটিক্যাল অবস্থায় আছে, চিকিৎসা চলছে, দেখা যাক কি হয়। মানে এমনি বেডে আছে না আইসিইউ কি? না, আইসিইউ আইসিইউ প্রয়োজন হলে দেবে, একবার সেইভাবেই আছে বেডে। নাম জানা গেছে বাচ্চাটার? হ্যাঁ, বাচ্চাটার নাম জানি, নওদা ব্লকের গঙ্গাধারী গ্রামে বাচ্চাটার বাড়ি, এবং তার পরিবার পরিজন আমাদেরই খুব আপনজন। দীর্ঘদিন গঙ্গাধারী গ্রামটা যেহেতু নওদা ব্লকের মধ্যেই পড়ে, নওদা বিধানসভা, আমি দীর্ঘদিন সেখানে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে আছি, তারা পরিবারও আমার সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তাই তো তখন থেকে এসে এখানেই বসে আছি। আপনারা দেখছেন যে হসপিটালেই বসে আছি এবং তার চিকিৎসা কীভাবে করা যায়, আরও ভালো বেটার ট্রিটমেন্ট কীভাবে করা যায় সবটার জন্য আমরা আছি এখানে। ছেলেটার নাম হচ্ছে হাশিম সরকার। হ্যাঁ, वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां इसी तालुका के धौड़राई में किसी कारणवश बस गांव आने के बजाय कांटे पर निकल जाती है। गांव के कुछ नागरिक आगर प्रबंधक से बस को गांव में लाने के लिए संपर्क करते हैं। धौड़राई के अधिकांश छात्र स्कूल और कॉलेज की शिक्षा के लिए गेवराई जाते हैं, लेकिन गांव में बस नहीं आने के कारण छात्रों को 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर फाटा जाना पड़ता है। चालक और वाहन को सम्मानित किया गया और बंदूक चलाई गई, लेकिन गांव के छात्रों को एक निजी रिक्शा में गेवराई जाना पड़ा। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आगे खबरों के लिए बने रहिए TTN24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।